Well, hello everybody, this is me Chanakya Shukla and I welcome all of you back to my channel after so long. And this is the first episode of our new series which we started, which I named Tunes and Tales. Alright, so इसमें what I'm going to share my experiences with fellow musicians जिनके साथ मैंने collaboration किया और आपको बताएंगे कि कैसे हम लोगों ने काम किया, जिससे आप लोग भी सीखेंगे काम होता कैसे actually. हाँ, और सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मेरी जर्नी. सो आई स्टार्टेड, दो मोस्ट ऑफ द पीपल यू गाइस नो कि पहले मैं वैसे तो सीखता था इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक. मेरे गुरु रहे जिन्होंने मेरे को इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक से इंट्रोड्यूस कराया. उसके बाद आई फॉर्म्ड अ बैंड एंड बैंड के अंदर फिर हमने अपनी कंपोजिशंस हम परफॉर्म करते थे, कवर सॉन्ग्स परफॉर्म करते थे और उस तरीके से लोगों को थोड़ा बहुत जानने को मिला कि हम म्यूज़िक परफॉर्म करते हैं, राइट. अब उसमें एक कंपोजिशन मेरी शायद उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा पॉपुलर ही, लाइक सावरिया, और लोग वो सुनते और पसंद करते. उसके अलावा बैंड जब स्प्लिट हो गया, उसके बाद की कहानी किसी को खास पता नहीं, बिकॉज आई वॉज टू मच बिजी इन माई वर्क एंड तब सोशल मीडिया भी नहीं होता था, तो फिर मैं उस पर ज़्यादा बताता भी नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ. बट अभी आपको बताते हैं बिहाइंड द सीन्स कि कैसे काम होते थे और कैसे मैं उन चीज़ों में गया. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस आर्टिस्ट जिनके साथ मैंने कोलैबोरेशन किया और हमने कुछ गाने बनाए, उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ. तो दिल्ली में ही मेरे को मिले, जिनका नाम है आशीष कौशिक, और ये मेरे से उम्र में तो थोड़े बड़े थे पर मैं भी उस समय यंग था और उन्होंने मेरे को चांस दिया कि आप मेरे लिए कुछ सॉन्ग्स बनाएं क्योंकि आप म्यूज़िक प्रोड्यूस करते हैं. तो उनको सेंस हो गया कि ये क्यों ना एक मूवी बनाई जाए जिसमें कि चाणक्य कुछ इनपुट दें एज अ कंपोज़र या म्यूज़िक प्रोड्यूसर. उस टाइम पे हमें टर्म्स भी कुछ खास पता नहीं होती थी, जैसे जैसे हम काम करते जा रहे थे, जो करता जा रहा था उसको वैसे वैसे टाइटल्स मिलते जा रहे थे, राइट. विद एक्सपीरियंस ओनली यू लर्न, राइट. सो आशीष जो है वो मेरे पास आए और उन्होंने मेरे को बताया कि एक मूवी मैं बना रहा हूँ और एक आइडिया तुमसे शेयर करना है. मैंने कहा ठीक है, आप आइए. तो मेरे घर आए वो और फिर घर पे हमने वो आइडिया डिस्कस किया. तो मूवी का उन्होंने मेरे को बताया कुछ ऐसा कि मैं एक मूवी बनाने जा रहा हूँ जिसमें एक मॉडर्न डे स्टोरी है और ज़्यादा मैं आपको बताऊँगा नहीं, अदरवाइज इट विल बी लीक हो जाएगा उनका स्टोरी. अभी रिलीज़ भी नहीं हुआ है, उस पर शायद काम चल रहा है. तो स्टोरी का कुछ कुछ आइडिया उन्होंने मेरे को ऐसा बताया कि नॉर्मल डे लाइफ है और हम ज़िंदगी में चलते जा रहे हैं, हमें पता नहीं है हम कहाँ जा रहे हैं, इतना बिजी हो गए हैं और बेसिक चीज़ें भूलते जा रहे हैं. हाँ, और ये उनकी आइडियोलॉजी थी, दो ही शेयर्ड इट विद मी. और उन्होंने कुछ कंपोजिशंस कर रखे थे, लिरिक्स उन्होंने खुद लिखे थे, उसकी धुन उन्होंने खुद बना रखी थी और मेरे पास आए थे वो बेसिकली कि उसका म्यूज़िक बनाओ और उसको रिकॉर्ड भी हम करेंगे. उनका जान पहचान का कोई स्टूडियो था, वहाँ पर जाकर जो स्टूडियो था वो भी मैं आपको बताऊँ, बहुत अच्छे रिकॉर्डिस्ट आर्टिस्ट म्यूजिशियन एंड अ वेरी हम्बल पर्सन जिनके बारे में बताऊँ कि सिद्धार्थ ढिंगरा करके दिल्ली में है और अभी भी मेरे साथ, वो सोशल मीडिया पे मेरे साथ लिंक पे रहते हैं. उनसे भी मिलने का मौका मिला मेरे को बिकॉज ऑफ आशीष कौशिक. सो आशीष जो थे वो सोच रहे थे कि मैं कुछ एक पहले म्यूज़िक ट्रैक पहले तैयार कर लिया जाए, उसके बाद फिल्म शूट करी जाएगी और फिर गाने उसमें कैसे कैसे प्लेस किए जाएंगे. और सॉन्ग से क्या होता है कि सॉन्ग ट्रैक रेडी हो जाए तो फिर आपको पूरी म्यूजिक फिल्म का आइडिया मिल ही जाता है. नहीं तो बताते हैं कि पहला गाना कैसे हमने स्टार्ट किया. तो वी स्टार्टेड विद द फर्स्ट आइडिया. उन्होंने एक एक करके मेरे को आइडिया शेयर करते थे, बड़ा अच्छा लगता था वैसे काम करके. तो मेरे को बताया पहले बार कि एक चाणक्य एक ऐसा है कि साइंस जो है हमारी, उसमें हम मान लेते हैं उनको तथ्य की तरह और फिर आए दिन कुछ उसमें चेंजेस आ जाते हैं. मतलब स्टार्टिंग में जैसे बताया कि देर आर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर और फिर ऑल ऑफ अ सडन हमें बताया गया कि देर आर फोर स्टेट्स ऑफ मैटर, तो साइकोलॉजी थोड़ी हिल जाती है कि हमने तो वो चीज़ रट ली
एंड अपने लाइफ में इस्तेमाल करने लगी। बाद में अचानक से साइंटिस्ट ही बता रहे हैं कि नहीं, वो गलत था और फिर कुछ ऐसा। तो मैं उस समय इंजीनियरिंग पढ़ रहा था और खुद साइंस स्टूडेंट रह चुका हूँ मैं, तो मेरे लिए चीज़ें थोड़ी आयरोनिकल थी, बट स्टिल आई एंजॉयड हिज थॉट। और एज अ प्रोफेशनल मेरे को तो काम करना था उनका, तो फिर मैं बिल्कुल उनकी मैंने स्टोरी सुनी। तो उन्होंने बताया कि एक बड़ी थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी, जिसमें ऐसा कहा जाता है कि पूरी धरती जो है, पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स जो है, वो एक्चुअली एक बड़ा सा एक ब्लास्ट हुआ और फिर सारे स्टार्स, सारे प्लैनेट्स उससे क्रिएट हो गए, सारी एलिमेंट्स वगैरह धीरे धीरे फिर क्रिएट होते रहे, और वक्त की शुरुआत ही तभी से होती है। और काफ़ी थ्योरीज हैं इस पे, और बिग बैंग थ्योरी के ऊपर अगर आप साइंटिफिकली देखेंगे। तो उन्होंने कहा कि ऐसे क्या वाकई हुआ होगा, ये ऐसा हमें बता दिया गया, क्या पता ये भी कुछ वेग सी ऐसे काल्पनिक सी चीज़ बना दी गई है साइंटिस्ट द्वारा। तो उनका थॉट एक्सेप्ट करेंगे। देखो, हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, हम सबके थॉट एक्सेप्ट करते हैं कि उनकी क्या आइडियोलॉजी है ना। उसके बाद आप अपनी सोच समझ और अपने रिसोर्सेस, जो सोर्सेज हैं नॉलेज के, उनको लेकर फिर आप एक डिसीजन पे आते हैं कि आपको क्या अपनी आइडियोलॉजी रखनी है। तो मेरे को बड़ी यूनिक लगी ये बात कि क्या बात कर रहे हैं। और उन्होंने फिर एक सॉन्ग लिखा जिसका नाम ही था बिग बैंग। हाँ, और बहुत ही प्यारा सॉन्ग। और उन्होंने क्या किया कि मेरे को जस्ट ऐसे ही बिना म्यूजिक के, किसी चीज़ के, मेरे को ऐसे ही गा के सुनाया। अब मैंने कहा कि अब ऐसे कैसे मैं सुनूं, तब मेरे पास फ़ोन वगैरह भी नहीं होते, जिसमें मैं आजकल क्या करता हूँ, मैं फ़ोन के अंदर ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड कर लेता हूँ, कोई क्लाइंट ऐसे आते हैं तो, और फिर उसके ऊपर मैं काम करता हूँ बाद में। पर उस समय मेरे पास ये नहीं था, तो फिर मैंने कहा आप एक काम करें, रिकॉर्ड ही करते हैं उसको। तो मेरे पास उस समय प्रोफेशनल लैपटॉप भी नहीं होता था, मेरे पास कंप्यूटर था, एक लैपटॉप कॉलेज से मिला था बेसिक चीज़ों के लिए, विद अ वेरी बेसिक कॉन्फिगरेशन, लाइक 1 GB ऑफ रैम, कोर टू डू उसका प्रोसेसर, बहुत बेसिक, मतलब आप समझ रहे हैं। तो उसी पे मैंने म्यूजिक प्रोडक्शन थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करना शुरू कर दिया था, कि जितना कि बहुत बड़ा सॉन्ग नहीं बना सकता वो, चलो 1 मिनट का, आधे मिनट का, 1.5 मिनट का सॉन्ग अगर वो बना दे तो लेट्स गो विद इट, राइट। तो अब आशीष ने मेरे को पूरे एक प्रॉपर फुल फ्लेज सॉन्ग का प्रोजेक्ट दे दिया था, और पता नहीं कहाँ से उनके दिमाग में लगा कि ये चाणक्य कर लेंगे। हाँ, मेरे अंदर भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि मैंने सॉन्ग्स बनाए थे, हम परफॉर्म करते थे, स्ट्रक्चर था दिमाग के अंदर, पेन कॉपी पे लिखा हुआ था, बट एक टेंजिबल सॉन्ग नहीं था हमारे पास। देन आशीष मेरे को कहते हैं कि चलो ठीक है, रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो फिर कैसे करें, तो फिर उन्होंने, हमने एक टेम्पो डिसाइड किया, उस टेम्पो के ऊपर उस टाइम पे मैं डॉ जो यूज़ करता था वो था एक एबलेटन 8, और उसके अंदर हमने एक टेम्पो डिसाइड किया, और आशीष ने वो एक टेम्पो पर, रफली टेम्पो पे गा दिया। अब मेरे पास उनके लिरिक्स आ गए, थोड़ी बहुत अरेंजमेंट का आइडिया हो गया मेरे को, तो फिर मैंने कहा चलो इसको रख देते हैं, आई वोंट स्लीप ओवर इट, आई विल जस्ट वर्क ऑन इट व्हेन एवर आई गेट टाइम। तो दिन में क्या होता था, मैं पढ़ाई करता था, रात में मेरे पास टाइम होता था तो मैं अपने असाइनमेंट्स करता था, या फिर म्यूजिक के अंदर कुछ प्रोडक्शन, क्योंकि इट वॉज समथिंग वेरी न्यू एंड इनोवेटिव फॉर मी। तो मेरे को जब भी टाइम लगता था, मैं सोचता था कि चलो कुछ म्यूजिक बनाते, कंप्यूटर था मेरे पास, म्यूजिकल आइडियाज थे दिमाग में, लाइब्रेरीज उसमें थी, और मेरे पास और कुछ इंस्ट्रूमेंट खास थे नहीं, कीबोर्ड्स एंड ऑल, सिर्फ कीबोर्ड कंप्यूटर का, उस पर ही मैं म्यूजिक बना सकता था। और एक ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए एक ऑडियो इंटरफेस था, एम ऑडियो आता था पहले, एक फास्ट ट्रैक प्रो दैट आई बॉट विद माय सेविंग्स, और एक माइक था मेरे पास ठीक ठाक सा, डिसेंट सा, उसके अंदर हमने उनका वोकल रिकॉर्ड किया घर के अंदर ही रफली। अब नहीं, मेरे ख्याल से मेरे पास एक मीडी कीबोर्ड भी था, सॉरी, नहीं तो वो समझते गया, मेरा बेसिक डिसेंट सेटअप यही था, एक मेरे पास लैपटॉप था, एक ऑडियो इंटरफेस था, माइक था, और एक मिडी कीबोर्ड था जिससे मैं म्यूजिक बनाता था, दैट्स इट, कुछ नहीं उससे ज़्यादा। अच्छा, फिर क्या होता है, फिर आशीष चले गए मेरे को ये काम दे के, आइडिया सुनाकर,
और फिर उन्होंने कहा कि आप सोचो इस पे कुछ, मैं आता हूँ फिर बाद में। मैंने कहा ठीक है। तो मेरे को शाम तक वो कॉल करते हैं और आते हैं, और फिर मैंने भी उनको बोला कि आप आओ आशीष, मैंने कुछ बनाया आपको, मैं सुनाता हूँ। तो सॉन्ग का नाम था बिग बैंग, और उसका मैंने इंट्रो पार्ट बनाया एक, कुछ मेरे दिमाग में जो भी आइडिया आ रहा था उस समय। आई वॉज इंस्पायर्ड बाय सो मैनी म्यूजिशियंस आउट देयर इन बॉलीवुड, वेस्टर्न बैंड्स भी मैं सुनता था, और इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक, काफ़ी कुछ मैं सुनता रहा। तो फिर मेरे पास इन्फ्लुएंसेस थे उनके, बट उस समय चला हुआ था कुछ नया डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है ना सब कुछ। और आशीष ने जिस सेंस में मेरे को सुनाया था वो भी उनका यही था कि एक बैंड है उसको सुनना आप, उसकी जैसा मैं साउंड चाह रहा हूँ। तो और ऑलरेडी तुम बैंड में परफॉर्म करते हो, तुम्हें पता है कि बैंड का साउंड क्या होता है, 5 पीस बैंड का थोड़ा रॉक साउंड होना चाहिए। तो आई केम अप विद अ ट्यून, और आशीष को मैंने सुनाया वो आइडिया। तो कहते हैं हाँ ये तो बढ़िया जा रहा है, इट्स रियली गुड, ये मतलब थोड़ा लग रहा है न्यू, चाहे कि तुम कर लोगे इस पर कुछ अच्छा करोगे। तो उसके बाद वो चले गए। कहते हैं चलो इस पर कल मिलता हूँ मैं तुमसे और फिर मैं बात करता हूँ। फिर नेक्स्ट डे मैं रात भर बैठा रहा, कुछ मेरे दिमाग में आया और मैंने कुछ कुछ देखा कि नए नए इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या मैं इसके अंदर एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ। क्योंकि आशीष मेरे को एक मौका देते थे, उनके रेफरेंसेस ऐसे मतलब कि स्ट्रिक्ट नहीं होते थे कि आप बिल्कुल वैसे का वैसा बना दो, कि आजकल ये चला हुआ है वैसा बनाओ। उन्होंने कहा आप जो दिमाग में आपके आ रहे हैं ना वो करो। तो ये बड़ा अच्छा लगता था कि एक्सपेरिमेंट करने का आपको मौका मिलता है। तो मैंने उस समय क्या किया, रात भर बैठा, एक मैंने ट्यून एक मेरे को पसंद आई और मैंने उससे एक काइंड ऑफ अ सोलो टाइप्स कुछ मैंने ऐड किया उसके अंदर। और फिर आशीष जब आए और फिर मैंने कहा कि आप सुन के देखो कुछ। तो मेरे पास मॉनिटर्स तो नहीं होते, हेडफोन्स थे मेरे पास शिनाइजर के अच्छे, वन ऑफ द बेस्ट, अब वो डिसकंटिन्यू हो गए बट दे वर रियली गुड। और मैंने जैसे ही उनको सुनाया, वो अपने हेडफोन्स लेके आते थे बट मैंने कहा आप इस पर सुनो, उन्होंने सुना, थके हारे आ रहे हैं दिन में, तो जैसे उन्होंने सुना उनकी आंखें खुल गई और इतनी जोर की बोले वो हो, क्या है ये, क्या सुनाया तुमने, क्या बना दिया यार ये तुमने, वाह। और वो ट्यून एक्चुअली दिल को छू गई उनके कि ये क्या बनाया तुमने, वाह ये कहीं सुना नहीं मैंने कुछ कुछ ऐसा, ये क्या कर रहे हो तुम यार, तुम बने हो इस चीज के लिए, तुम यू जस्ट डू इट। उन्होंने कहा कि या अमेजिंग, कह रहे तुम क्या चीज तुम्हें रुक रही है। तो फिर मैंने कहा कि मेरा लैपटॉप जो है बहुत बेसिक है, इसका मेरे को थोड़ा अपग्रेड करना चाहिए। कह रहे कैसे करोगे। हाँ मैंने कहा नया लैपटॉप तो भी सोच नहीं सकते थे उस समय, दो मेरे दिमाग में था कि एक मैकबुक लूँ, हाँ बट उससे पहले मेरे पास जो वही था, तो उसको थोड़ा मोट अपग्रेड करने के लिए आई गेस रैम बढ़ाई जा सकती थी उसकी, प्रोसेसर तो नहीं चेंज होता है, अगर आप कंप्यूटर जानते हैं तो रैम बढ़ा सकते हैं जिससे थोड़ा बहुत कंप्यूटर लैग नहीं करेगा और मल्टीपल जो मल्टीपल टास्क है वो अच्छे से है हैंडल कर सकता है कोई भी कंप्यूटर या फ़ोन। तो उन्होंने कहा आप ये लो, थोड़ा उन्होंने कैश दिया मेरे को, सबसे पहले आप इसकी रैम बढ़ाओ ठीक है, कहीं आपको चूक नहीं होनी चाहिए जो आप बना रहे हो ना उस चीज़ में, आपके पास इक्विपमेंट्स रिसोर्सेज पर्याप्त होने चाहिए। उन्होंने मेरे को थोड़ा पेमेंट किया और फिर कहा इसका रैम बढ़ाओ। तो मैं फिर गया दिल्ली में, एक बहुत पॉपुलर प्लेस है नेहरू प्लेस, वहाँ जाके मैंने कुछ रैम्स परचेज करी, देखी तो कौन सी कंपेटेबल हो रही है, तो 1 GB से देन आई स्विच टू लाइक 4 GB तक मैंने अपग्रेड कर दिया, 4 टाइम्स मतलब रैम बढ़ा दी। उसके बाद फिर हमने काम करना शुरू किया और फिर वो गाना पूरा बना दिया, और फिर अब हम सोच रहे हैं इसको आगे कैसे करें। तो आशीष मेरे साथ लगे रहते हैं, अब उन्होंने कहा कि अब हम इसको आगे क्या करेंगे, स्टूडियो चलते हैं रिकॉर्ड करेंगे। मैंने कहा तो आप कराओ, कह रहे नहीं, आप साथ चलो, ऐसे ही होगा काम, कि आपका गाना है आपको पता होगा कि आपने उसमें कैसे बनाया उसको, आप स्टूडियो में देखो आप मेरे से कैसे टेक्स वगैरह लगवाते हो कैसे। तो इसी बहाने मैं सिद्धार्थ ढींगरा से मिला, उनका स्टूडियो था दिल्ली में पहले, अब वो गुड़गांव शिफ्ट हो गए और गुड़गांव भी अब गुरुग्राम कहलाता है। तो वहाँ पर गया मैं, सिद्धार्थ से मिला और उन्होंने बताया, तो मैं यंग सा एकदम, उन्होंने कहा कि ये हमारे म्यूजिक डायरेक्टर हैं। तो मेरे को ऐसा लगा अच्छा है ओके। तो उन्होंने कहा अच्छा, मैंने कहा पता तो ऐसे ही लगेगा कि जब सुनेंगे वो ट्रैक, पता नहीं कैसा उनको लगे।
तो सिद्धार्थ ने भी जब सुना तो उन्होंने मेरे से थोड़ी बहुत टेक्निकल बातें करी कि ये बीट्स का सैंपल ये आपने वहाँ से लिया है, मेरे पास सेम सैंपल है थोड़ा हाई क्वालिटी में, वो मैं रिप्लेस कर देता हूँ इसमें और कुछ और एलिमेंट्स ऐड करते हैं, ठीक है। और फिर उन्होंने वोकल्स जो है टेक्स लिए, तो वो मैंने अच्छे से, फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा कि जिसमें मैं एक आर्टिस्ट के टेक्स दिलवा रहा हूँ अपने सॉन्ग के अंदर, और फिर आशीष उसके अंदर गाते हैं और पूरा सॉन्ग अच्छे से उन्होंने गा दिया। और मेरे को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि मैं अभी अभी सुनूंगा वो सॉन्ग, बट ऐसा नहीं होता है तुरंत के तुरंत, क्योंकि वो जो थोड़ा बहुत पोस्ट का काम जो वोकल्स का है, वोकल प्रोसेसिंग, वो सब सिद्धार्थ डिंगरा ने खुद करनी थी, और वो बहुत अच्छी प्रोसेसिंग करते भी हैं, तो उन्होंने किया वोकल्स को फिर मेरे म्यूजिक के साथ मर्ज किया, और उसके बाद उन्होंने वो ट्रैक मेरे को आशीष को ही दिया ऑब्वियसली, क्योंकि आशीष ही ने पेमेंट की थी उसकी। तो आशीष ने, मैं आशीष से पूछता हूँ फिर वो सॉन्ग सुनना है मेरे को कैसा आ रहा है आउटपुट, तो फिर एक दिन उन्होंने आए वो मेरे को, उन्होंने सुनाया, और मैंने सुना, मैंने कहा वाह ये हमने बनाया, वाह यार अमेजिंग ट्रैक। सॉन्ग का नाम था बिग बैंग थ्योरी, एंड बहुत अच्छा उसके अंदर लिरिक्स उन्होंने लिखे हैं। आपको सुनाता हूँ वो ट्रैक, ठीक है। वैसे आपको रिवर्ब, उन आशीष कौशिक के ऑफिशियल रिवर्ब नेशन आईडी का लिंक मैं आपको दे दूंगा, जहाँ पे आप ये इसको गाने को पूरा सुन सकते हो, बट एक छोटा सा पार्ट मैं उसका आपको अभी सुना देता हूँ अपनी वीडियो के अंदर। तो सॉन्ग गोज लाइक दिस, सुनिए एंजॉय करिए। Yeah.
हर भी पोथियां किताबें यूं ही बीबी के होगा धमाकों से होते हैं खंडर छोटे घर या बड़े महल फिर एक धमाके से कैसे आए इतनी चहल पहल I bet you, ऐसा आपने कभी पहले म्यूजिक सुना नहीं होगा. मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, मेरे रेफरेंसेस, मेरे पर्सनल, आशीष ने नहीं दिया मेरे को, बट मेरे पर्सनल रेफरेंसेस रहे थे AR रहमान. हाँ, उनका जैसा म्यूजिक रहता है मैं कुछ वैसा बनाऊँ, क्योंकि उन्होंने तब तक ऑस्कर जीता नहीं था, बट मेरे को लगता था कि बहुत बढ़िया म्यूजिशियन है, वो हैं भी. पर ये सॉन्ग एक्चुअली उनकी कॉम्पोजिशन या उनके प्रोडक्शन से भी बढ़िया बना. There's no doubt about it, right? और सुन के मज़ा ही आ गया होगा. इसके अंदर एलिमेंट्स आपने अगर देखे होंगे तो वो एलिमेंट्स मैंने बनाए थे. आई वॉज जस्ट लाइक 19-20 years or something like that. Yeah. और आशीष ने मेरे को तब ट्रस्ट कर लिया कि आप बना सकते हो ये. और 2010 or 2011 की कुछ बात होगी. और मेरे कॉलेज में आई प्रमोटेड इट अ लॉट, लाइक कि एक मूवी बन रही है और उस पर काम चल रहा है. एनीवेज, मूवी छोड़ो, साउंड ट्रैक इज अमेजिंग और हमने बहुत मेहनत करी थी इस पर. मैं रात भर जाग कर म्यूज़िक बनाता था और आशीष को मेरी ये लगन, मेरा ये पागलपन, मेरा एक क्रेजीनेस बहुत पसंद था. हाँ, डेट्स वाई उन्होंने मेरे को चूज़ किया अमंग एनी अदर ऑप्शन आउट देयर. अच्छा, ये था बिग बैंग आप सबके लिए. आई होप आपको पसंद आया होगा. अगर आपको और सुनना है, इसको बार बार सुनना है, तो फिर आप आशीष कौशिक की ऑफिशियल जो रिवर्ब नेशन प्रोफाइल है उस पर जाके सुन सकते हो. हाँ, मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं. अगला गाना वो मेरे पास लेके आया, कह रहे चाहो कि ये तो बहुत बढ़िया बन गया, अब हम करते हैं एक और सॉन्ग. तो इस बार उन्होंने मेरे साथ एक थॉट शेयर किया कि आजकल लोग जो हैं, यूथ जो है, वो अध्यात्म से हटके, स्पिरिचुअलिटी से हटके वो जा रहा है टुवर्ड्स व्हाट डू यू कॉल इट एथिसिज्म की तरफ. मतलब पीपल हु बिलीव देयर इज नो गॉड, कोई भगवान वगैरह कुछ नहीं होता है, ठीक है, और पता नहीं फिर उनकी आइडियोलॉजीज क्या होती है कि किसने बनाई दुनिया. कम से कम आप साइंटिफिक थॉट तो रख सकते हो, जो कि मैं रखता हूँ. अगर कम से कम मैं बिग बैंग पे बिलीव करता हूँ, थ्योरी पे, कि ऐसे बने होंगे सबके सब, फिर डायनासोर्स आए और फिर डायनासोर्स का खात्मा हुआ, मीटियोर्स गिरे और फिर ह्यूमंस इवॉल्व हुए. हम एवोल्यूशन थ्योरी पे बिलीव कर सकते हैं. हाँ, और ऐसा कुछ बट नहीं. हाँ, और फिर क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि एक मेरी थॉट है कि मैं अपना आइडियोलॉजी इस मूवी के अंदर रखना चाहता हूँ कि भगवान, गॉड, उसके ऊपर मैं एक सॉन्ग बनाना चाहता हूँ. तो इट्स नॉट अ भजन, माइंड इट, भजन आपको बतेरे मिलेंगे. हाँ, अभी इस समय जब आप देख रहे हो मेरी वीडियो, उस समय भी आप कोई रिलीजियस चैनल खोल के देखो तो वहाँ पे भगवान की बहुत बातें होती हैं, है ना, और आपको कथाएं सुनाई जाएंगी कि कैसे गॉड्स ने क्या क्या कैसे कैसे किया. ये भजन नहीं था, और भजन भी आपको बहुत सुनने को मिलेंगे, तो ये भजन नहीं था. ये एक सॉन्ग ही है, रॉक सॉन्ग ही है. हाँ, और रॉक लगाओ, पॉप लगाओ. उन्होंने आइडिया मेरे को दिया कि कुछ, अगेन एक बैंड का ही मेरे को आइडिया था कि बैंड साउंड होना चाहिए, थोड़ा रॉक साउंड जैसा तुम रखते हो, जैसा तुमने वो किया है उसको थोड़ी देर भूलो, बट अगेन कुछ सोचो वैसा ही, अपनी वो एनर्जी को मेंटेन रखो. मैंने कहा ठीक है, और निकल, लेट्स डू दिस, करते हैं. फिर क्या हुआ कि कुछ ऐसी उन्होंने लिरिक्स लिखे, उसके अंदर प्यारे लिरिक्स हैं,
सेम हमने क्या किया, वो प्रोजेक्ट रख लिया, आशीष के पास सारी डेटा फाइल गई, मेरा जो लैपटॉप था बेचारे की उसकी मेमोरी स्पेस उसके अंदर सिर्फ 128 GB होता था, जो कि शायद उस टाइम के लिए ज़्यादा था, लेकिन म्यूज़िक प्रोडक्शन के लिए इट वॉज़न्ट इनफ, क्योंकि आपकी बहुत हैवी हैवी फाइल्स बनती हैं अगर आप म्यूज़िक प्रोडक्शन करते हैं तो, आपको पता होगा, तो वो तो फाइल भर जाती थी, उसमें रैम तो ठीक थी। तो उन्होंने मेरे को फिर कहा कि अब क्या अपग्रेड करना है, मैंने कहा मेरे को इसमें वो अपग्रेड करना है, आई वॉन्ट टू अपग्रेड दी स्टोरेज। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है ये लो थोड़ा, और मेरे को फिर पेमेंट दिया और कहा कि आप इसकी स्टोरेज भी आप अपग्रेड कर लो, आपका इक्विपमेंट नहीं रुकना चाहिए। तो उस समय शायद पैसे की इतनी ज़रूरत नहीं थी, बट पैसा ज़रूरी तो है ही ना, पर कहाँ लगाओगे। मैं उस पैसे का शायद कुछ भी कर लेता, नई टी शर्ट ले लेता, महंगा फ़ोन ले लेता, या कुछ ऐसी चीज़ ले लेता जो कि आने वाले टाइम में, आज की डेट में मैंने कितने फ़ोन्स लिए हैं पर वो कहीं कहानी में नहीं है। मैं आज उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात उन सॉन्ग्स के बारे में बात कर रहा हूँ जहाँ पे सही टाइम पे सही इन्वेस्टमेंट हमने कर दी, और आज उन बातों को हो गया है लगभग 20 साल, नहीं 2010 से तो आप लगाए 24 साल हो गए हैं बातों को, स्टिल आज उन पे बात हम कर पा रहे हैं। तो मैंने अपना लैपटॉप फिर दोबारा अपग्रेड किया और थोड़ा अपने लिए भी कुछ कपड़े शपड़े भी ले लिए, है ना। अब क्या हुआ कि सॉन्ग पे हम दोबारा बैठे, ठीक है, वो सॉन्ग जो था मैंने थोड़ा सोचा कि इसको हम वहाँ से ना रिलेट करें जो कि आध्यात्मिक गुरुओं के बारे में कंट्रोवर्शियल बातें होती हैं, वहाँ नहीं जाना चाहिए बातचीत, ये बात एक जनरल एक थॉट होना चाहिए कि हाउ दे आर सम फ्यू पीपल व्हेन दे फील होपलेस इन लाइफ, लोनली इन लाइफ, तो एक ही एनर्जी उनके पास रह जाती है, विच इज़ लाइक टू, क्योंकि वो कहते हैं जिनका कोई नहीं होता उनका भगवान होता है, तो भगवान जी के ऊपर कोई एक सॉन्ग, नॉट एनी स्पेसिफिक नेम विद गॉड, इट्स जस्ट अबाउट अ गॉड, बी इट एनी रिलीजन और समथिंग, कि मैं ना मानूँ कोई भगवान नहीं है, ऐसा कुछ उसके लिरिक्स है, और बहुत ही प्यारा सॉन्ग। तो मैंने सोचा इसको थोड़ा इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स दिए जाए, तो मैंने उसके अंदर तबला ऐड किया, और मेरे दिमाग में जो जो आइडिया आ रहे थे कि फ्लूट होनी चाहिए स्टार्टिंग में, और एक बहुत अच्छा सा इन्वायरमेंट क्रिएट करा जाए कि इसको सुनने से वो दूसरे सॉन्ग से बिल्कुल अलग भी साउंड करे, क्योंकि फिल्म के अंदर जैसे हम सुनते हैं सारे सॉन्ग्स में अलग अलग कलर्स होते हैं, एक सॉन्ग सुन लिया उसके जैसा दूसरा नहीं होना चाहिए साउंड ट्रैक के अंदर, तो मेरी आइडियोलॉजी ऐसी थी कि चलो थोड़ी वेराइटी दी जाए। सो सॉन्ग के अंदर कॉर्ड्स भी मैंने बहुत ही सिलेक्टिवली करके सिलेक्ट करी, और सिलेक्टिव लगे सेलेक्ट करी, बहुत सिलेक्टिव रहा मैं कॉर्ड्स के लिए, और इंस्ट्रूमेंट्स मैंने बहुत चुन चुन के उसके अंदर यूज़ किए, इंडियन सितार का सुर डाला, और वेस्टर्न स्ट्रिंग सेक्शन है जिससे बहुत अच्छा एक इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, और आशीष ने गाया भी बहुत अच्छा। दोबारा हम टाइम लेकर गए सिद्धार्थ डिंगरा के स्टूडियो, और वहाँ पे जाके हमने दूसरा सॉन्ग भी रिकॉर्ड किया, इस सॉन्ग का नाम बाद में हमने टाइटल रखा, आशीष ने ही टाइटल रखा, इसका नाम भगवान रखा सिंपल। तो बात कहने सुनने को हो जाती कि तुमने भगवान बनाया, तो भगवान हमने नहीं बनाया, द सॉन्ग इज़ कॉल्ड भगवान, और बहुत प्यारा सॉन्ग है जो कि आपको सुनना चाहिए, और आपको मैं सुनाता हूँ, आप एंजॉय द सॉन्ग। एक छोटी सी आंख जिसमें समाए ये दुनिया, सांसें और लहू की बूंद में बहे जिंदगी, वो पानी जिसमें खुद का कोई स्वाद नहीं, हर घूंट में प्यास बुझाता है वही, हिचकी जो बिन कहे भी अटकती रहे, पलकें जो बिन कहे भी झपकती रहे, मैं ना मानूं ये किसी की सोच नहीं, भगवान नहीं।
की कोख में जाके बने मोती, बारिश की बूंदे सीब की कोख में जाके बने मोती, जुगनू रातों में तारों से जल बुझ खेले, सन्नाटे की भी आवाज है क्यों, बिन रंग और रूप की खुशबू है क्यों, क्यों आंखें यूं ही बिन बात फड़कती रहे, बिजली यूं ही बिन बात कड़कती रहे, हिचकी जो बिन कहे भी अटकती रहे, पलकें जो बिन कहे भी झपकती रहे, मैं ना मानूं ये किसी की सोच नहीं, मैं ना मानूं ये किसी की मेहनत नहीं, मैं ना मानूं इसको नहीं कोई देख रहा, मैं ना मानूं के कोई भगवान Alright, wasn't that great? So, इस सॉन्ग के अंदर भगवान सॉन्ग के अंदर मैंने भी थोड़ा सा एज अ कंपोजर कंट्रीब्यूट किया, तो एक पैरा जो है इसका, जो एक वर्स है वो मैंने कंपोज किया था. मेरे को मैंने कहा आशीष से कि आपकी वोकल्स पे आप हाई पिच भी गा लेते हो अच्छा, तो ये आपका पार्ट जो है ये आप गा के देखो, जो कि इसमें बहुत हाई पिच एक पार्ट आता है, वो पार्ट उन्होंने गाया और उन्होंने कहा फिर आप भी गाओ. फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मैं एंड में जो एक कोरस में वोकल्स आ रहे होते हैं बैकग्राउंड में बैकिंग वोकल्स, वो मैंने दिए हैं, उसमें कुछ ताने हैं जिससे कि थोड़ा और इंडियनाइज लगता है म्यूज़िक. तो आई होप आपको ये दोनों सॉन्ग पसंद आए होंगे. इसी के साथ मैं ये पहला एपिसोड एंड करता हूँ और हम और बात करेंगे अबाउट आशीष कौशिक के इस प्रोजेक्ट के बारे में, जिसमें हमने ऑलमोस्ट मूवी के कम्प्लीट सॉन्ग्स पूरा साउंड ट्रैक तैयार ही कर दिया, और इट वॉज वंडरफुल एक्सपीरियंस कैसे कितनी मेहनत से पीछे हम मेहनत करके काम करते हैं, कैसे गाने बनते हैं एक्चुअली मेहनत वाले, वो आपको मैं शेयर कर रहा हूँ इस सीरीज़ के अंदर. और मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, म्यूज़िक अच्छा अच्छा सुनते रहें और मेहनत करना करने से कभी मत चूकें, अपने कम्फर्ट जोन से थोड़ा बाहर आएँ और थोड़ी थोड़ी कोशिश कम्फर्ट जोन से बाहर आके करने की कोशिश करें, और यही कोशिश आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ाएगी. तब तक के लिए मैं चाणक्य शुक्ला आप सभी से अलविदा लेता हूँ. अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, एडियोस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. अरे वेट वेट वेट, कहाँ जा रहे हो? एक मैंने रिमिक्स गाना भी बनाया था, उसका एक म्यूजिक वीडियो बनाया, देख के जाना. बाय बाय.
उस वक्त पे बिंदे।